फर्स्ट शेयर करने वाली कुछ सिंपल और इजी योगा स्नैच जो आपको फ्लैट टमी देगा। फ्लैट टमी सभी की चाहत होती है, लेकिन ध्यान रखें ये आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद मिलेगी। लेकिन आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप विद इन 3 मंथ्स में अपनी बढ़ी हुई बेली को कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको लगातार 90 डेज तक यानी कि 25 25 आप हर दिन इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आज के आसन में मैं आपको 3 सिंपल इजी ऐसे आसन बताऊंगी जो आपके स्पेशली फॉर बेली एरिया पे वर्क करेगा, आपके पूरे कोर पे वर्क करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के योगासनास की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल मैजिकल ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब करें। और योगासनास की प्रैक्टिस करने के पहले आपने 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाया हो, अगर आप इसकी प्रैक्टिस मॉर्निंग में कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेटर समय है आपकी प्रैक्टिस की। तो आज का जो हमारा पहला आसन है ये बहुत ही सिंपल और ईजी आसन है। इसे करने के लिए आपको अपने मैट पे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। दिस इज अ नौकासना बोट पोज। इसे करने के लिए आपकी कोर मसल्स पे पूरा वर्क होता है, आपकी थाइस पे वर्क होता है एंड ऑल्सो आपकी पूरी बॉडी रिलीज होती है। फर्स्ट एज ए बिगिनर और बेसिक आप अपने नी को फोल्ड करके इस पोजीशन में होल्ड करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं तो फर्स्ट आप अपने लेग को स्लाइड एक बार फॉरवर्ड बेंड करिएगा, पूरा स्ट्रेच करिएगा, लाइक अपने एंकल को लॉक करके एल्बो को बेंड करके हेड को डाउन करिएगा। होल्ड द पोजीशन फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दिस इज अ फॉरवर्ड बेंड। इनहेल करते हुए फिर आप वापस आइएगा। पहले आसन की प्रैक्टिस आप इस तरह करिएगा, सिटिंग फॉरवर्ड बेंड, जो आपकी पूरी बेली एरिया कोर मसल्स पे और थाई मसल्स पे वर्क करेगा, जिससे थोड़ी लूजन अप होनी आपकी बॉडी शुरू हो जाएगी। देन कम टू सेकेंड आसना। सेकेंड आसना इज नाभिका दर्शनासना। नाभिका दर्शनासना करने के लिए आपको अपने हाथों को अपने हिप पोर्शन के पास ही शिफ्ट करनी है, बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं ले जाए, बहुत ज़्यादा पास में भी हाथों को नहीं रखें, थोड़ी सी बैक में रखें। इनहेल करते हुए अपने बॉडी को पूरा लिफ्ट अप कर दें, जितना आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। बॉडी वेट आपकी शोल्डर पे है, आपके लेग पे है, फ्रंट लेग पे। होल्ड द पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Now then release। आपने नोटिस किया मैंने फर्स्ट आसना की प्रैक्टिस में 15 काउंट की, सेकेंड आसना की प्रैक्टिस में हमने 20 काउंट किया एंड इन द थर्ड आसना प्रैक्टिस हम इसमें 25 काउंट करेंगे। एंड इफ यू फील कंफर्टेबल, अगर हम कंफर्टेबल फील करेंगे तो हम 30 काउंट भी कर सकते हैं। इंक्रीजेज योर टाइमिंग और रिपीटेशन, जितनी आप होल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी पे वर्क होनी शुरू होगी। सो डोंट लेट, आप तुरंत किसी भी आसना से बाहर नहीं आए, एटलीस्ट 15 20 25 काउंट तक होल्ड करें। 1 काउंट 1 ब्रीथ 2 काउंट 2 ब्रीथ। इसी तरह आपको अपनी ब्रीदिंग के साथ अपनी ब्रीथ को भी मैनेज करनी है, विद द ब्रीदिंग और काउंटिंग प्रोसेस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगेन इन द थर्ड आसना प्रैक्टिस इन फ्रंट, मैंने शुरू में ही आपको बताया था नौकासना, सो सिट लाइक हाफ लेग फोल्ड। होल्ड द पोजीशन इफ यू फील कंफर्टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Now in 15 काउंट हम अपने लेग को इस तरह रेज करके होल्ड कर रहे हैं। Now in 15 काउंट हम अपने लेग को पूरा रेज अप करेंगे एंड देन होल्ड द पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Now again if you not feel comfortable अपने हम इसी पोजीशन में आ जाएंगे हाफ नौकासना में एंड अगेन 10 काउंट होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Now release. So bend your knee and just relax here. This is the common 3 asana practice जिसके आप regular practice करके अपने belly और core area यानी कि जो हमारे lower body के पूरे fat होते हैं, आगे पीछे both side आपकी fat होती है. So remember कि सिर्फ आपको आगे की belly कम नहीं करनी है, आपको पीछे के भी जो आपके bulging extra fat होते हैं body के उसे भी कम करनी है. और साथ ही साथ इस तीनों asana में आपकी body का weight आपके arms fat पे भी असर कर रहा है. Starting, I'll show you one by one. आप देखिए तीनों में कैसे आपके arm fat पे भी work हो रहा है. So when you do the first asana practice, जब हम पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, forward bend, elbow हमारे lock हो रहे हैं, down elbow, lock your ankle. And when you bend your body, आपकी pressure आपकी muscles पे भी पड़ रही है, आपके arms पे भी पड़ रही है, जिससे आपको पूरी relaxment हो रही है, head down. Hold the position. Core पे भी आपका pressure हो रहा है, thigh पे pressure आ रही है आपकी. So यही आपकी fat burning process है. Hold the position. At least जैसा मैंने बोला आपको 10 to 15 count आप इस पे hold करें. Then come to second asana. ये थे हमारे second asana, नाभि का दर्शनासन. ज़्यादा दूर मत रखिएगा, अपने hip portion के पास अपने हाथों को रखते हुए lift your body. 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे भी आप देखेंगे आपकी प्रेशर आपके आर्म्स फैट पे है और रिस्ट पे है. देन रिलीज. ये था हमारा दूसरा आसना. एंड द थर्ड पोर्शन अगेन, जब हमारे लेग रेज अप हो रहे हैं और हाथों का पोजीशन हमने सामने की तरफ ओपन करके रखा है, तब भी हमारे हाथ आर्म फैट पे प्रेशर लग रही है. एंड अगेन इसी के वेरिएशन में जब हम कंप्लीट नौकासना करेंगे तब भी हमारे हाथ बिल्कुल इसी पोर्शन में लग रहे हैं. If you feel not, जब कभी होता है कि हम बैलेंस यहाँ पे ऐसे नहीं कर पाते, तो तुरंत सपोर्ट ले लें अपने बैक पे. ये थे कुछ 3 और सिंपल आसनास जो आपके बेली और कोर एरिया पे वर्क करता है. आई होप यू एंजॉय द वीडियो और इसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ अपने बेली और कोर एरिया के मसल्स को कम करें. आई होप यू एंजॉय. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो. और आप चाहे तो हमारे साथ घर बैठे योगा सीख सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को बुक करके. तो घर बैठे योगा सीखिए और खुद को निरोग रखिए. नमस्ते.